हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्त। से कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, शशि कपूर अपने जमाने के सबसे पॉपुलर और हैंडसम हीरो हुआ करते थे। उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे गुड लुकिंग अभिनेताओं में शामिल था। 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश राज में कलकत्ता में शशि कपूर का जन्म हुआ था। वे फिल्म जगत के मशहूर निर्माता निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर है। शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर कैंडल से लव मैरिज की थी, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए। शशि कपूर और जेनिफर के 2 बेटे और 1 बेटी है। आज हम आपको इस वीडियो में शशि कपूर की बेटी संजना से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। दोस्तों, अब तक तो आपको यही लगता होगा कि करिश्मा कपूर कपूर फैमिली की पहली बेटी है जिन्होंने फिल्मों में अभिनय किया था। लेकिन आपको बता दें कि करिश्मा कपूर से पहले संजना कपूर फिल्मों में काम कर चुकी है। जी हाँ, पिता शशि कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 36 चौरंगी लेन में संजना कपूर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वो 17 साल की उम्र में उत्सव फिल्म में देखी गई। नसीरुद्दीन शाह के साथ संजना को पहला लीड रोल साल 1979 की फिल्म हीरो हीरे लाल में मिला था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे। इसके बाद 1988 में आई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में संजना कपूर दिखाई दी थी। आखिरी बार संजना कपूर को 1994 में फिल्म 2012 में संजना ने एक थिएटर बेस्ड संगठन जुनून थिएटर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फ्रेंच सम्मान भी मिल चुका है। बता दें कि संजना कपूर का जन्म 1967 को हुआ था। उनके पति का नाम वाल्मिक थापर है। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। दोस्तों, बता दें कि वो बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप चलाती हैं। इसके अलावा उन्होंने 3.5 साल तक टीवी शो अमूल इंडिया शो को भी होस्ट किया। 2012 में उन्होंने खुद की थिएटर कंपनी भी शुरू की थी। तो दोस्तों, आपको शशि कपूर की बेटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, शशि कपूर और उनकी बेटी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।